और माशाल्लाह से जैसे आपने देखा कि आज माशाल्लाह मलेशिया से तकरीबन 350 पाकिस्तानी जो है वहां से आजाद हुए, मलेशिया से पीआईए के जरिए वो पाकिस्तान पहुंच गए। और आपने वो वीडियो देखा भी होगा जिसमें वो सारे पाकिस्तानी पुरजोश नारे लगा रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद और इमरान खान जिंदाबाद और पीआईए जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। मेरे दोस्तों, हिम्मत हारना नहीं है, यही इमरान खान होगा इंशाल्लाह कि इस मुल्क को इस अंधेरियों से निकालेगा इंशाल्लाह। ये वो वजीर आजम है, ये वो वजीर आजम है जो न सिर्फ मुल्क के मसाइल देखते हैं बल्कि मुल्क के बाहर जो हमारे पाकिस्तानी फंसे हुए हैं उनके हालात भी, उनके भी दर्द इसको है, उनके एहसास भी इमरान खान को है। जैसे कि सऊदी अरब में फंसे पाकिस्तानियों के लिए आवाज उठाया, मलेशिया पाकिस्तानियों के लिए आवाज उठाया, और अभी आपने देखा कि सरगोधा यहां वहां जेलों की भी जो चक्कर काटते हैं, इमरान खान अस्पतालों के दौरे करते हैं, वहां पे अपने पाकिस्तानियों के हालात देखते हैं। पहला वजीर आजम है जो जेलों के, जो थानों के अंदर जाकर जो है कैदियों का पूछते हैं, उनका हाल पूछते हैं, थानों का रिकॉर्ड उनका पता करता है। माशाल्लाह इमरान खान, अब हम इमरान खान के जब हम उसको जब देखते तो दिल खुशी से बाग बाग हो जाते हैं। तो कहने का मकसद ये कि इंशाल्लाह इमरान खान के साथ चलना है, इंशाल्लाह इस मुल्क को अंधेरियों से निकलना है और किसी की बातों में हमने नहीं आना है। मैं बाखुदा आपसे कह रहा हूँ, अब आप लोग मुझसे ज्यादा समझदार हो कि इंशाल्लाह सिर्फ एक साल या डेढ़ साल मजीद इंतजार हमें करना होगा, एक से डेढ़ साल हमें और तकलीफ उठानी होगी और इंशाल्लाह फिर बाहर ही बाहर आएंगे इस चमन में इंशाल्लाह। मेरे पाकिस्तानियों, इमरान खान के दुआएं करना क्योंकि दुआओं का सीजन है, रमजान का महीना है, अपने भी दोस्त को दुआ में लाजमियत रखेगा। अल्लाह हाफिज़।